मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो असफलता, पिछले 3.5 साल से लगभग हम लोग झारखंड के युवा जो है परेशान हैं। वो 5 लाख नौकरी देकर वादा करके आई थी सरकार में, लेकिन 3.5 साल बर्बाद हो चुका है झारखंड के युवाओं का, उम्र बर्बाद हो चुका है और कोई वैकेंसी नहीं आया। और कुछ हुआ तो क्या हुआ कि जो नियोजन नीति एक बना था वो भी रद्द हो गया। इसके विरुद्ध में जो है तमाम झारखंड में आग लगा हुआ है, यानी कि विरोध पे विरोध हो रहा है। और तमाम विरोध जो है, जैसे कि विधानसभा का घेराव हो या सभा हो या सम्मेलन हो, कल देखने को मिला होगा कि संथाल परगना पूरा बंद था और पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ 6 जिला में बंद किया गया था। वो एक टेलर था, अब जो है पूरा झारखंड के 2400 जिला से मांग आ रही है कि एक तिथि निर्धारित किया जाए। और इसके लिए हम लोग लगातार कई दिनों से बैठक कर रहे थे, तो बैठक करने का नतीजा यही निकला है कि 10 अप्रैल, आगामी 10 अप्रैल सोमवार का दिन है, उस दिन पूरा झारखंड बंद रहेगा, नाकाबंदी किया जाएगा, आर्थिक नाकेबंदी का मांग हो रहा है। उसमें हम लोगों का मांग है कि खतियान आधारित स्थानीय नीति बने, नियोजन नीति बने और 3.5 लाख जो सीटें खाली है उस पर अतिशीघ्र भरने की प्रक्रिया और पारदर्शिता, ये तमाम मांगों को लेकर के झारखंड के युवा जो है झारखंड बंदी को आह्वान किए हैं। इसमें झारखंड यूथ एसोसिएशन, झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन और तमाम प्रकार के संगठन इस पर निगरानी बनाए रखेंगे। और ये जो आंदोलन होगा 10 अप्रैल का ऐतिहासिक होगा, जिस तरह संथाल परगना में ऐतिहासिक रहा है उससे भी बड़ा और बहुत ही बड़ा। इसमें क्या है कि 2400 जिला के मेन जो मुख्य मार्ग है उसको रोका जाएगा, 2, 3, 5 इस तरह से, और NH को, हाईवे को, तमाम प्रकार के, जैसे कि जो बगोदर क्षेत्र है, डुमरी क्षेत्र है, वहां पर हाईवे को भी रोकने का प्लानिंग चल रहा है। तो ये आंदोलन जो है 10 अप्रैल को तमाम झारखंड के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों के आह्वान से ये बुलाया गया है, आप लोगों का आंदोलन है, आप लोगों का किस्मत जो है टिका हुआ है आपके हाथों में। अपने अंदर की क्षमता को निकालिए और सबको जोड़िए, इसमें गार्जियन को भी जोड़िए, सभी संगठन को जोड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए और 10 तारीख वाला जो आंदोलन है सफल बनाने का प्रयास करिए, क्योंकि ये जो है हम तमाम झारखंड का पहचान और ये जो हम लोग का भविष्य का है, क्योंकि रोजगार नहीं मिल रहा है, पलायन हो रहा है। 22 साल में झारखंड में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा पलायन, सबसे ज्यादा अशिक्षा, कुपोषण, तमाम प्रकार की परेशानियां यहीं पर आ गई है और झारखंड एक लूटखंड बन के रह गया है। और मैं एक स्पेशल इसमें बात कहना चाहूंगा, अपील करना चाहता हूं कि ये जो 10 अप्रैल का है ये पूरी तरह से शांतिपूर्वक और अहिंसात्मक होगा और संवैधानिक ढंग से होना चाहिए। और जो लोग इस पर उपद्रव मचाने का कोशिश भी करेंगे तो उनको चिन्हित किया जाएगा, उनसे आंदोलन से बाहर किया जाएगा। ये बातों पर हमेशा हमें अमल करने की जरूरत है। शांतिपूर्ण करने की बात करते हैं, आप ही लोगों में से कुछ लोग उपद्रव करने लगते हैं, फिर बाद में आप बोलते हैं कि हम क्या करें, उसमें आ ही जाते हैं, वैसे लोगों की जिम्मेदारी कौन लेगा? बिल्कुल, वो जिम्मेदारी तो हम लोगों को लेना होगा और हम लोग इस पर कड़ी निगरानी रखेंगे कि ये जो 10 तारीख का होगा पूरी तरह शांति होगा। जिस तरह से संथाल परगना और संथाल परगना के साथियों को मैं धन्यवाद भी देता हूं, जोहार करता हूं, और वो जो है 10 तारीख में भी वो लोग जुड़े रहेंगे और वो संगठन भी, जो समितियां हैं, तमाम प्रकार के संगठन है, कॉलेज का स्टूडेंट का छात्र संगठन है, आदिवासी मूलवासी संगठन है, खतियान संघर्ष समिति है, और खतियान भाषा संघर्ष समिति है, तमाम प्रकार के संगठन है, समितियां हैं। सबसे अपील करता हूं कि 10 अप्रैल को सड़क पर हम लोग होना चाहिए, सड़क पर दिखना चाहिए, क्योंकि हम लोग को पिछले 3.5 साल से ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने सड़क पर लाया है, तो हम लोग जब तक पूरी तरह से सड़क पर नहीं उतरेंगे तब तक ये सरकार को डर नहीं होगा और इसको समझ में नहीं आएगा। आप नियोजन नीति के कह रहे हैं 40 का विरोध कर रहे हैं, वहीं बंधु तिर्की जो सत्ता में भी है वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं ना कि ये तो सही है, तो वो पूरी तरह से यही तो देखना है कि वो सिर्फ राजनीति करके छात्र का, वो उनका राजनीतिक करियर देखिए, वो स्टूडेंट का यहीं पर रांची में आंदोलन करते थे लगातार और वो जो है विधायक बने, बड़े नेता मंत्री बने, फिर उसके बाद अभी इस तरह से छात्रों के विरुद्ध जो बयान दे रहे हैं ये निंदनीय है और वो कांग्रेस पार्टी को वो गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं, तो ये बहुत दुखद बात है। और JMM के भी कुछ नेता जो है, मंत्री जो है, इस पर उदासीन रवैया अपनाए हुए हैं, तो ये बहुत ही गौर करने वाली बात है और हम लोग पैनी नजर लगाए हुए हैं। 2024 में इस तरह से होगा तो उन लोगों को जो है बैकआउट होगा पूरी तरह से, और झारखंड के युवा जो है सरकार बना सकती है तो सरकार गिरा भी सकती है। और तमाम आप मीडिया बंधुओं का भी जोहार और धन्यवाद करते हैं, क्योंकि पिछले 1 साल 1.5 साल से आप लोग लगातार आंदोलन में साथ दे रहे हैं और आप लोग को इस तरह से अटूट आस्था और बच्चों के प्रति और
संविधान के प्रति आप लोगों ने जो पिलर का काम किया है, जो वास्तविक में आपने चौथा स्तंभ का काम किया है, मैं कितना भी धन्यवाद दूं वो कम है। आप लोगों ने भी बहुत संघर्ष इस आंदोलन को खड़ा करने में करते हैं, और कुछ लोग जो है शरारती तत्व जो मीडिया को भी अनर्गल बातें बोलते हैं, जो उनको दिल को ठेस पहुंचता है, तो ऐसी बातें हम ना करें। हमें जो है एक मीडिया या एक जो है स्टूडेंट, कोई जाति नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई इसके लिए मजहब नहीं होता, उसका संविधान ही मेन होता है, और वो एक स्टूडेंट पावर होता है, एक मीडिया पावर होता है। तो इस बार जो है मीडिया पावर, मीडिया बंधुओं से भी मैं अपील करूंगा कि गुजारिश करूंगा कि वो भी हमारा साथ देंगे इन समय में जिस तरह से साथ दिया है। अच्छा एक बात बताइए, आप बोलते हैं कि नियोजन नीति के खिलाफ जाएंगे, और सरकार तो अब आपके द्वार चली गई, आपसे सब कुछ पूछ ली, तो उसमें कहीं नहीं बोले कि हमको ये चाहिए? बिल्कुल, हम लोग लगा आप लोग, हम लोग जो द्वार नीति अपनाया था बोकारो में, तो मुझे याद है उस दिन भी हम लोगों ने विरोध किया था। लेकिन क्या है कि हम छात्र हैं, हम लोग सरकार को बहुत मुश्किल से, बहुत मुस्तैदी से हम लोगों ने चुनकर, बहुत शौक से हम लोग बहुत ज्यादा मिठाई बांटे थे, हम लोग खुशियां मनाए थे इस सरकार को लाने में। और बुआ राज, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन युवा है तो युवाओं का दर्द समझेंगे, लेकिन इन्होंने सिर्फ ठगने का काम किया है, छलने का काम किया है। कभी कहते हैं कि केंद्र सरकार बहाना बनाते हैं, कभी कोरोना का बहाना, तो कभी कोष की खाली। बताइए, हम लोग दर दर भटक रहे हैं, पढ़े लिखे लोग लाठी खा रहे हैं, केस मुकदमा हम लोग पर हो रहा है, और हम लोगों को कभी तो बोला जाता है कि आप लोग बाहरी हैं, तो कभी आप लोग बीजेपी के हैं, कभी आसू के हैं, तो क्या नहीं तोहमत लगाया जाता है। तो हम लोग पर पता ही नहीं कितना जुल्म ये सरकार कर रही है। क्या इसी दिन के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सत्ता में चुनकर लाए थे? झारखंड के युवाओं ने खुशियां मनाई थी, हम लोगों ने रघुवर दास के सत्ता से उनको बाहर किया था। बताइए कितनी चिंता की बात है, जो अभी जो बना है, उन लोग अपने लिए मर्सिडीज गाड़ी मंगाते हैं, मंत्री का वेतन एक आवाज में बढ़ जाता है, लेकिन हम लोग सड़क पर ही लाठियां खा रहे हैं। और मूर्ख लोग जो है अभी विधायक मंत्री बने हुए हैं, सदन भी चलता है 10-15 दिन का, इतनी करोड़ों का खर्च होता है, वो लोग क्या करते हैं, अपना बात तो मना लेते हैं, पेमेंट बढ़वा लेते हैं, अपने लिए बिल्डिंग, अपने लिए कोष का व्यवस्था कर लेते हैं, अपने लिए गाड़ियां महंगी महंगी व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन हम लोगों को सड़क पर इस तरह से एकदम बहुत ही बुरा लग रहा है। आप लोग इस पर संज्ञान लीजिए, और तमाम आपके दर्शकों को मैं कहूंगा कि ये जो ये दर्द है, आप लोगों का दर्द है, आप लोग इसको किस तरह से देखते हैं, इसी तरह हम लोग लापरवाही से 3.5 साल से जिस तरह से हम लोग हैं, इसी तरह आगे भी हम लोग लापरवाही बरतते रहेंगे तो हमारा झारखंड लूटता रहेगा, और भारत का सबसे अमीर राज्य सबसे गरीबी, सबसे बेरोजगारी, सबसे कंगाली के कगार पर पहुंचा दिया जाएगा। साथ में आपको 32 चाहिए, 64 चाहिए, 86 चाहिए, क्या चाहिए, 47 नहीं चाहिए? हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें खतियान आधारित स्थानीय नीति चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें चिकित्सा चाहिए, हमें सिर्फ बरगलाना जानते हैं। ये 1932 सगुफा है, ये लोग ठगने का काम करते हैं, 1964 ये लड़ाने का काम है। हमें चाहिए रोजगार, हम लोग बेरोजगार स्टूडेंट आंदोलन कर रहे हैं, और तमाम गार्जियन जो देख रहे हैं वो लोग भी इस पर संज्ञान लें, और वो भी जो है 10 अप्रैल का जो ऐतिहासिक आंदोलन है उसको सफल बनाने में अहम भूमिका निभाएं। मतलब जबरदस्त बंदी रहेगा उसमें? बिल्कुल क्रांतिकारी रहेगा, जबरदस्त रहेगा, झारखंड में पहली बार ऐसा बंदी देखने को मिलेगा, और युवाओं द्वारा, क्योंकि इससे पहले बताइए कि जो MCC वाला सिर्फ घोषणा कर देते हैं तो बंद हो जाता है, वो लोग रोड में निकलते भी नहीं है, तो हम लोग वैसा कुछ भी नहीं करेंगे, हम लोग संवैधानिक ढंग से और सब सड़क पर उतरेंगे, और सबका, क्योंकि सबका जो है ये जरूरी है, हमारे लिए नीति बनना बहुत जरूरी है, हमारा भाषा संस्कृति बचाना जरूरी है। सवाल है आपसे, बिल्कुल, कि आप बोल रहे हैं उन लोग मूर्ख लोग वहां बैठा हुआ है विधानसभा में, आप तो खड़ा हुए, आपको तो निगलेक्ट कर दिया जनता, यही तो जागरूकता की कमी है। हम झारखंड में, और हम लोग वहां पर रामगढ़ में जो खड़ा हुए थे, तो हम लोग सिर्फ ये टेलर था, रामगढ़ में स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा उतारने के लिए हम लोग एक प्रयास कर रहे थे, हम लोग वहां वोट मांगने के लिए नहीं गए थे, हम लोग ये बताने के लिए गए थे कि हमारे लिए जो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आसू हो, JMM हो, उसने हमारे लिए 22 साल में नीति क्यों नहीं बनाया हमारे लिए, तो हम छात्रों को जो है उसके अंदर छुपी हुई शक्ति को हम लोग निखारने के लिए, और हम लोग एक संकेत सरकार को देने के लिए, और इसका परिणाम भी हमें सकारात्मक दिखा है। सरकार को जो है 4 बार जो उपचुनाव हुआ वो हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन हम लोग जब जीत का सामना करना पड़ा था, लेकिन यहाँ पर रामगढ़ में हम लोग सरकार को मुंह का खाना पड़ा है, उसको हम लोगों ने हराने में अहम भूमिका निभाया। बिल्कुल, उससे पहले 6 तारीख को भी हम लोग का एक कार्यक्रम है कि छोटा नागपुर का जो है, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर में मशाल जुलूस 6 तारीख को भी होगा, और 6 तारीख को भी हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो में बंदी का कार्यक्रम है। उसके बाद जो है 9 तारीख को भी एक कार्यक्रम है, मशाल जुलूस निकलेगा, और उस 10 को विशाल बंदी। बिल्कुल, 9 अप्रैल को मशाल जुलूस, हाँ, पूरा झारखंड के 2400 जिला मशाल जुलूस होगा। चलिए, धन्यवाद, शुक्रिया आप लोग।